हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग निकले हैं एक थोड़ा डोनेशन ड्राइव के लिए। ये बेसिकली कुछ नहीं है, हम लोग अपने इलाके में ट्राइड टू ऑर्गेनाइज अ डोनेशन ड्राइव कि सब लोग थोड़ा थोड़ा करके जितना भी अपना हिसाब से बन पाता है वो लोग डोनेशन करें, आगे आए, क्योंकि लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत लोगों को खाना नहीं मिल रहा है एंड दे आर लिटरली स्टार्विंग। तो हम लोग बहुत दिन से सोच रहे थे बट वी कैन ऑर्गेनाइज एवरीथिंग एंड कम आउट। तो ये एक मौका मिला है अभी। कल हम लोगों ने पूरा दिन कॉल किया बहुत सारे लोगों को एंड फ्यू ऑफ देम अग्रीड, फ्यू ऑफ देम हैड लाइक ठीक है मुझे और कहीं भी करना है तो आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ देन दैट, इट्स ओके, वी अंडरस्टैंड। तो देखते हैं अभी कितना डोनेशन हो पाता है, आज कितना हम लोग कलेक्ट कर पाते हैं, उस हिसाब से आगे काम करेंगे। आई शो यू एवरीथिंग। जितने भी लोगों को हम लोगों ने कॉल किया था, बहुत सारे लोगों ने डोनेट किया है, बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा है कि कल डोनेट करेंगे या फिर परसों माल आएगा उनके पास तो वो तभी करेंगे। कुछ लोगों से बात नहीं हो पाई है बिकॉज दे आर बिजी राइट नाउ, कुछ इमरजेंसी सर्विस में वो लोग डील कर रहे हैं, तो वो लोग भी दे देंगे, वी आर क्वाइट होपफुल फॉर दैट। अभी तक हम लोगों को मिला है 100 किलोज ऑफ राइस, तो ये उतरेगा गाड़ी से, कल फिर देखते हैं क्या क्या आता है। कल पोटैटो आने वाला है एक्चुअली और दाल भी, तो लेट्स सी क्या होता है। हाँ, सो टुडे इज़ डे टू ऑफ आवर डोनेशन ड्राइव। तो हम लोग कल हम लोगों को मिला था कुछ 100 केजीज ऑफ राइस, आज हमें वी आर एक्सपेक्टिंग कुछ 150 या 200 केजीज ऑफ राइस वी आर एक्सपेक्टिंग टुडे, और साथ में कुछ मास्क वो भी मिलेगा, सर्जिकल मास्क और पोटैटो वो भी है। तो देखते हैं कितने लोग क्या क्या देते हैं। एंड वन मोर थिंग इज़, ये टी शर्ट मैं रोज़ पहन रहा हूँ, सो डोंट जज मी प्लीज़, काम वाली बाई नहीं आती है। ऐसा नहीं है कि मैं गंदा टी शर्ट पहनता हूँ, ये रोज़ मैं धोता हूँ आके फिर ही पहनता हूँ। रिस्पॉन्स तो काफ़ी अच्छा मिला है बट धूप बहुत ज़्यादा है, हम लोग परेशान हो गए एंड वी आर नॉट गेटिंग दैट कैरी बैग जिसमें पूरा बांध के हम लोग दे सकते हैं, तो इसकी भी दिक्कत है, तो कहीं पे मिल नहीं रहा है क्योंकि एसेंशियल गुड्स में तो वो आता है नहीं। हमको चावल मिल गया, आलू मिल गया, सब कुछ मिल गया बट वो प्लास्टिक नहीं मिलता है कैरी बैग। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये चीज़, मतलब हालत ऐसी हो गई है। ये जो मार्केट है इतना खचाखच भरा होता है एट एनी पॉइंट ऑफ द टाइम, तो हमें अगर गाड़ी निकालनी होती है ना टिल दैट पॉइंट टू दैट पॉइंट, हमें अगर गाड़ी निकालनी होती है तो हॉर्न मार मार के ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है यहीं पे, बट अभी ऐसा नहीं है, टोटली बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन। आपको दिखा रहा हूँ क्या क्या सप्लाई मिला, ये हमारी सप्लाईज है, ये चावल है, ये भी चावल है, ये आलू एक गोनी है, इधर चावल के तीन गोनी है, राइस, तो ये भी एक राइस है। लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा है इधर, हाँ यहाँ पे आई कैन सी लोग ऐसे भी कर रहे हैं कि खाना पका रहे, वो लोग छोटे छोटे रेस्टोरेंट के जो लोग हैं जो अपना ऐसे ही फास्ट फूड सेंटर चलाता है उसको लोग ले रहे हैं, उसको कॉल करके बुला रहे हैं कि तू आ, तेरे को वैसे भी बिजनेस नहीं है तो तू इधर आके खाना पका, तो वो लोग खाना पका रहे और वही खाना पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है जितने इधर रेलवे स्टेशन है वहाँ पे। ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाया क्योंकि एक तो धूप इतना बहुत ज़्यादा है और ऊपर से इतना भागा दौड़ी हो रही है। चलो भाई,
पार्ट टू। अभी शाम का टाइम है, हम लोग यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे हम लोग एक सज्जन व्यक्ति हैं, वो डोनेट करना चाहते हैं, तो अच्छी बात है। ही वॉन्ट्स टू डोनेट सम सर्जिकल मास्क। ये जो मास्क मैं पहन रहा हूँ, ही वॉन्ट्स टू डोनेट सम 300 ऑफ देम। शहर में नहीं देखने को मिलता है इतना अच्छा नज़ारा। He is my dad. Continuously calling and coordinating all the donations. कहाँ से किसको कितना देना है, कौन कितना दे रहा है, उसको कैसे कलेक्ट करें, कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, और फिर किस किस को जाएगा, सब कुछ। ही इज नेगोशिएटिंग एवरीथिंग। मैं भी काम कर रहा हूँ, प्लानिंग सब इनका है, काम मैं कर रहा हूँ। दिस इज़ डे 3। तो हम लोग आज क्या कर रहे हैं, सारा इंतज़ाम हो गया, कलेक्शन सारे हो गए, अभी भी दो चार जगह से आना बाकी है, विल मेक दैट अप। फिलहाल हम लोग अभी पैकिंग शुरू करने वाले हैं, क्योंकि कल हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है, और आफ्टर ऑलमोस्ट 250 किलोज ऑफ राइस वी आर एक्सपेक्टिंग टू विल कवर अप सम 100 और 125 फैमिलीज। ठीक है, अभी आपको दिखाएंगे कैसे हम लोग पैकिंग कर रहे हैं। और हाँ, मेरे पास बहुत सारे ब्लू टी शर्ट्स हैं, प्लीज डोंट जज मी, थैंक यू। और एक बात गाइस, प्लीज डोंट जज अस कि हम लोग इसको, मतलब जो भी हम लोग कर रहे हैं पूरा उसका वीडियो बना रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं कि हम लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है, मतलब वी आर नॉट शोइंग ऑफ, बट द थिंग इज लोगों को जानना चाहिए दैट सम पीपल आर डूइंग इट। और मुझे लगता है इससे बाकी लोगों को इंस्पिरेशन भी मिलेगा, मतलब यू मे नॉट बी थिंकिंग कि हाँ आप लोग भी डोनेट कर सकते हैं, बट रियली मैं बोल रहा हूँ आपको, 5-10 किलो भी मैटर करता है, मतलब बाइंग 5 किलो ऑफ राइस वन बी हार्म फॉर यू, आई नो। क्योंकि देखो इतना तो हम लोग काबिल हैं कि हम लोग 5 किलो चावल भी दे सकते हैं, और हम लोग अगर ये सोचते हैं ना कि मेरे 5 किलो चावल से क्या होगा, ऐसा नहीं है, दैट टू मेक्स अ डिफरेंस। किसी के लिए वो 2 दिन का सप्लाई है, किसी के लिए वो 3 दिन का सप्लाई है, ऐसे 5 लोग अगर सोचे ना, 5 किलो 25 किलो उस बंदे का हो गया, 15 दिन का खाना मान लो हो गया, तो ऐसे करके मतलब जितने लोग आगे आएंगे उतना ही बेहतर है। क्या मतलब, आपका सपोर्ट उसका सपोर्ट बनेगा, आप जितना दे पाओगे उतना उसको मिलेगा, वो भूखा पेट नहीं सोएगा, ये सोचना है आपको। इट डजेंट मैटर आप 1 किलो देते हो या फिर 5 किलो या फिर 25 किलो, द थिंग दैट मैटर्स इज आप दे रहे हो, बाकी पहुँचाना हमारा काम होता है, या फिर जो भी NGOs है आपके आसपास उनका काम होता है वो पहुँचाना। थैंक यू। लोग अभी लगे हैं, पैकिंग वैकिंग सब कुछ चालू हो गया है, आपको दिखाएंगे। व्हाट वी आर डूइंग इज, हम लोग एक प्लास्टिक की थैली में 2 किलो राइस और 1 किलो आलू दे रहे हैं, दैट हाउ वी आर पैकिंग। अभी चालू हो गया, आपको दिखाते हैं।